नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। ग्राम पंचायत चरे गांव की सरपंच मीना पुरुषोत्तम बिसेन अपने गांव समेत आसपास के छात्र छात्राओं को निशुल्क अंग्रेजी की कोचिंग दे रही हैं। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पंचायत भवन में अंग्रेजी की कोचिंग क्लास लगाकर अपनी पंचायत में रहने वाले छात्र छात्राओं को इंग्लिश पढ़ाकर उन्हें परिपक्व कर गाँव के बच्चों को शहर में अंग्रेजी को लेकर होने वाली समस्या से निजात दिलाने का कार्य कर रही है। महिला सरपंच की यह अनोखी पहल एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। आपको बता दें कि सरपंच मीना पुरुषोत्तम बिसेन सरपंच बनने के पूर्व बालाघाट के टैगोर मंटेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के पद पर रहकर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को इंग्लिश पढ़ाया करती थी, परंतु उन्होंने अपने गांव के बारे में सोचा और अपने पद से इस्तीफा देकर ग्राम के विकास एवं ग्राम के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया। मीना बिसेन ने पंचायत चुनाव लड़ा और वो जीत कर सरपंच बन गई। चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में निःशुल्क शिक्षा देने का जिक्र किया था, जिसे वे अपने कथानुसार ग्राम एवं आसपास के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रही हैं। कहते हैं कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। यह कहावत मीना बिसेन पर पूरी तरह खरी उतरती नजर आ रही है। ग्राम पंचायत के प्रथम गणमान्य नागरिक होने का दायित्व तो मीना पुरुषोत्तम बिसेन अच्छी तरह निभा रही है, जिसे ग्राम के लोग महिला सरपंच के इस कार्य को एक मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ के रहने वाले आप? चरे गांव। आप बेटा यहाँ ग्राम पंचायत में सरपंच के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं आप? जी, हमारे गांव में चरे गांव ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया ग्राम के समस्त छात्रों को पढ़ा रहे हैं और मैं इस बारे में सरपंच महोदया का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी सोच इतनी अच्छी है कि हमारे गाँव के समस्त बच्चे खूब पढ़े लिखें और आगे अपने भविष्य को सुधारें और इस गाँव का नाम रोशन करें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्रीमती मीना बिसेन है। आप ग्राम पंचायत चरेगांव की सरपंच है? हाँ जी, मैं ग्राम पंचायत चरेगांव की सरपंच हूँ। सरपंच जी, आपने जब चुनाव लड़ा था इसके पहले एक पहल की थी कि मैं यहाँ के बच्चों को शिक्षित करूँ, और इसके पश्चात हमें ये जानकारी भी लगी थी ग्रामीणों को कि आप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और अभी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं 17-18 सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी जी। वहाँ मैं टीचर भी थी, 6-7 साल मैं प्रिंसिपल भी रही, तो मैंने सोचा कि जब मैं सरपंच बनूंगी तो अपनी सारी जो सीख है मैं अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने में लगा दूंगी और वही मेरी कोशिश है। इसलिए मैंने 1 मार्च 2024 से निःशुल्क इंग्लिश कोचिंग खोला है ताकि मेरे गांव के बच्चे यहां आकर शिक्षित हो सके। कितने बच्चे यहां आ रहे हैं अभी पढ़ाई? यहां 25-30 बच्चे एवरीडे आते हैं, कभी शादी ब्याह में बच्चे चले जाते हैं तो फिर थोड़े कम हो जाते हैं और फिर बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि एक समान ही बच्चे आए। क्या नाम है जी आपका? भूरा लाल नीलवंशी, चरेगांव। चरेगांव के निवासी नीलवंशी जी, अपने यहाँ चरेगांव सरपंच द्वारा जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इस विषय में क्या कहना है आपका? अरे, वो तो बहुत सराहनीय कार्यक्रम है भैया। एक तो बालाघाट में वो रहती थी, वहाँ पढ़ाती थी, उसको छोड़ के यहाँ पे पढ़ा रही हैं, और यहाँ तक के कि लोगों का जो प्राइवेट कार्यक्रम कोचिंग क्लासेस चल रही थी वो सब बंद हो गए, और बहुत 30-40 बच्चे रोज आ रहे हैं और 2 घंटे की ये कोचिंग लेते हैं। बहुत अच्छा सराहनीय कार्यक्रम है गांव के लिए बच्चियों। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे पंचायती राज न्यूज के साथ। नमस्कार।